नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली तक पर। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है। सदन की कार्रवाई लगातार दो दिन हंगामे की भेंट चढ़ी। हालांकि इन दो दिनों में कई मुद्दों पर दिल्ली सरकार ने भी अपने पक्ष रखे, अपने जवाब दिए, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कई मुद्दों को लेकर दिल्ली सरकार को घेरा। लेकिन अब बात करेंगे द कश्मीर फाइल्स फिल्म की। 11 मार्च को ये फिल्म रिलीज हुई। विवेक अग्निहोत्री ने ये फिल्म बनाई है और ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर जो अन्याय हुआ उसको दर्शाया गया है। इस फिल्म को लेकर एक अलग कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सदन में द कश्मीर फाइल्स के मुद्दे पर भी जवाब दिया। जी हाँ, लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार से मांग कर रही है कि दिल्ली में भी द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर से एंटरटेनमेंट टैक्स को हटा देना चाहिए। उसे 100% एंटरटेनमेंट टैक्स जो उस पर लगता है उसे रिलैक्स कर देना चाहिए। लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि क्या करना चाहिए जिससे ये फिल्म जो है पूरी तरीके से फ्री हो जाएगी। आपको सीधा जवाब सुनवाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है? विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? तो अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर यह कहा है कि आप इस फिल्म को यूट्यूब पर क्यों नहीं डाल देते? अगर ऐसा करेंगे तो फिल्म पूरी तरीके से फ्री हो जाएगी और टैक्स फ्री करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक बार फिर से अगर आपको बताएं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा और निशाना साधते वक्त उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर ही उठाया। क्या कुछ कहा और किस तरह से बीजेपी को घेरा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, वो भी सुनिए। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे हम, राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ में। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और जो भी करना हो कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को। यार आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। तो बजट सत्र के पहले दिन सदन में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार से मांग की थी कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर जो एंटरटेनमेंट टैक्स लग रहा है उसे हटा दिया जाए। और जिस तरह से कई अलग अलग राज्यों में, खासकर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन राज्यों में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है, उसी तरह से दिल्ली में भी कर दिया जाना चाहिए। और उस पर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जवाब दे दिया है। दिल्ली NCR की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।